हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन लेटेस्ट किटी पार्टी गेम्स। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही मजेदार सा गेम लेकर आई हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, झटपट खेलें दो मजेदार गेम। तो फ्रेंड्स, आज मैं अपनी वीडियो में आपको दो गेम बताऊंगी जो कि हम बहुत जल्दी से खेलेंगे। उस गेमों को खेलने के लिए हमें किसी भी चीज की प्रिपरेशन नहीं करनी, बहुत ही सिंपल से गेम है। आप बच्चों की किड्स पार्टी, बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, फैमिली गेट टुगेदर, किसी में भी इन दोनों गेमों को इतना एंजॉय कर सकते हैं और आपकी एकदम से पार्टी हो जाती है। अगर घर में सारे बच्चे आए हैं, आपका मन बनता है गेम खेलने का, तो आप बच्चों को भी ये गेम खिला सकते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग गेम है और बहुत ही सिंपल गेम है और नो प्रिपरेशन गेम है। तो फ्रेंड्स, गेम शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूंगी, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जल्दी से उसे सब्सक्राइब कर दीजिए। उसके पास है एक बेल आइकन, उसे और प्रेस करिए जिससे कि मेरे सबसे पहले न्यू और लेटेस्ट वीडियोस आप देख सकें। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज आप मेरी वीडियो को लाइक जरूर करें। तो फ्रेंड्स, जैसा कि ये झटपट खेल है तो ये गेम भी झटपट खेलने वाले ही है और बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम है। तो पहला गेम है हमारा कि सारे मेंबर्स, अगर आप बच्चों के साथ खेल रहे हैं तो सारे बच्चों को एक साथ बिठा लीजिए। अगर आप अपनी किटी में गेम को खेल रहे हैं तो आप सारे किटी मेंबर्स एक साथ बैठ जाइए। तो जो फर्स्ट मेंबर है उसको एबीसीडी स्टार्ट करनी है। जैसे जो फर्स्ट है वो बोलेगा ए, उसके नेक्स्ट वाला मेंबर बोलेगा बी, थर्ड बोलेगा सी, मतलब एबीसीडी उन्हें बोलते जानी है एक एक करके मेंबर को, मतलब जो फर्स्ट सेकंड थर्ड इस तरीके से। तो मैं आपको जैसे बता देती हूँ, यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं, यहाँ पे ये शालिनी बैठी है फर्स्ट नंबर पे, इसने बोला ए, पूजा ने बोला बी, इसने बोला सी, इसने बोला डी, इसने बोला ई, इसने बोला एफ, इसने बोला जी। तो जी पे गीता बैठी थी, तो जी उसके नाम का जी उस पे आ गया, तो ये गेम से आउट हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, हम इसको गेम से निकाल देंगे। तो जैसे कि मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ, इसे हमने गेम से निकाल दिया। अब हमारे पास ये वाली मेंबर बैठी है इसके नेक्स्ट, तो यहां से हम अपनी एबीसीडी दोबारा से स्टार्ट करेंगे। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे। तो आप देख सकते हैं जे आया, फिर के एल एम एन ओ पी, पी आ गया यहाँ पे प्रिया पे, तो ये प्रिया भी गेम से आउट हो गई। अब हमारा गेम के बाद प्रिया ये हो गई, इसके बाद हमारी यहां से फिर से दोबारा से स्टार्ट होगा। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, आई आ गया ईशा पे, तो ये गेम से आउट हो गई। अब फिर हम दोबारा से ए बी सी डी यहां से स्टार्ट करेंगे। ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के, तो के हमारा आ गया, तो हमारी कविता आउट हो गई। इसी तरीके से आप राउंड कराते जाएंगे जब तक सारे मेंबर्स आउट नहीं हो जाएंगे, फिर एक मेंबर रह जाएगा, वो गेम का विनर हो जाएगा। फ्रेंड्स, कई बार ऐसा होता है कि दो मेंबर्स एंड में रह जाते हैं, फिर उन्हें एबीसीडी इस तरीके से वो बोलते हैं कि मतलब उनका अल्फाबेट नहीं आता, तो जो होस्ट है वो उसके साथ इंक्लूड हो जाएगा, होस्ट भी बैठ जाएगा, वो एबीसीडी तीन लोगों में बोल लेंगे, तो वो एक फिर मेंबर गेम से आउट हो जाता है। फ्रेंड्स, ये बहुत इंटरेस्टिंग गेम है, आप इसे जरूर कराएं। अगर आप बच्चों के साथ भी खेलेंगे तो बच्चों को भी बहुत मजा आएगा। सिंपल एबीसीडी बोलनी है आपको, इसमें कोई प्रिपरेशन नहीं करनी है फ्रेंड्स आपको। तो ये था मेरा फर्स्ट गेम जो मैंने आपको बता दिया। तो फ्रेंड्स, मैं आपको अपना सेकेंड गेम बताती हूँ कि सेकेंड गेम हमें कैसे खेलना है। तो सेकेंड गेम में आपको सिर्फ दो डाइस की जरूरत पड़ने वाली है। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग गेम है, इसे आप अपनी किटी मेंबर्स में एंजॉय कर सकते हैं। अगर आप पंचुअलिटी का गेम करा रहे हैं तो भी इस गेम को करा सकते हैं, क्योंकि बहुत झटपट होने वाला गेम है। इसमें आपको क्या करना है, जो फर्स्ट मेंबर बैठा है उससे आपको कहना है कि उसे डाइस रोल ऑन करना है। जैसे उसने चला, उसका आया फोर ऑफ थ्री, फाइव सिक्स सेवन, फिर नेक्स्ट मेंबर चलेगा उसका आया सिक्स, फिर नेक्स्ट मेंबर ने चला उसका आ गया टेन। तो यहाँ पर टेन हमारा भी हाईएस्ट चल रहा है, उसके बाद आया फाइव, अभी हमारा टेन से हाईएस्ट नहीं आया, अब हमारा आ गया फाइव, और फाइव टेन प्लस वन इलेवन, इलेवन हाईएस्ट हो गया। तो फ्रेंड्स, एक एक करके मेंबर को डाइस रोल करते जाना है, फिर जिस भी मेंबर का सबसे हाईएस्ट स्कोर होगा वो गेम का विनर होगा। तो आप इस गेम को पंचुअलिटी में करा सकते हैं, बस आपको डाइस रोल करवाते जाने हैं, दो दो डाइस देने हैं, तो आप दो दो डाइस रोल करवाते जाइए। अगर दो मेंबर का सेम स्कोर आ जाता है तो आप उनमें दोबारा से डाइस रोल करवा सकते हैं, जिसका भी हाईएस्ट नंबर आएगा वो गेम का विनर हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये गेम आप पंचुअलिटी में करा सकते हैं, बहुत ही सिंपल सा गेम है, उसमें कोई भी प्रिपरेशन नहीं है, आप ये बच्चों में भी इंजॉय कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे मेरे आज के दो गेम जो झटपट आप खेल सकते हैं अपनी किसी भी पार्टी में और इंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, मेरे गेम पसंद आए, तो मेरी वीडियो और गेम को लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।